परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को संपूर्ण समर्पण के साथ परमेश्वर के चरणों में हम अपने आप को दे दें। किसको दे दें? अपने आप को। वचन में परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे बलियों से, मैं तुम्हारे दान से, मैं तुम्हारी भेंटों से उब गया हूं। क्यों उब गए? क्योंकि सिर्फ भेंट दी जा रही थी, अपना हृदय परमेश्वर को नहीं दिया जा रहा था। परमेश्वर हमारी बलियों, हमारे दान से खुश नहीं होता है। परमेश्वर हमारी सेवा से भी खुश नहीं होता है, अच्छे कर्मों से भी खुश नहीं होता है। परमेश्वर खुश होता है जब हम अपने आप को उसके चरणों में दे देते हैं। हालेलुया। अपने आप को संपूर्ण समर्पण के साथ परमेश्वर के चरणों में सौंप देना ही आराधना है। हालेलुया। क्या हमने अपने आप से यह सवाल करें, क्या मैंने अपने आप को संपूर्ण समर्पण के साथ परमेश्वर के चरणों में सौंप दिया है? अगर हमने संपूर्ण समर्पण के साथ अपने आप को परमेश्वर के चरणों में सौंप दिया है तो हम उसके आराधक हैं। अगर हमने संपूर्ण समर्पण के साथ उसे नहीं सौंपा है तो सच में हमारी आराधना में सच्चाई नहीं है, हमारी आराधना में सच्चाई नहीं है।